आपको मिल गया आशीष? मैं देख लूंगा बाद में, हो सकता है फाइल मेरा अभी तो हो नहीं रहा, लेकिन देख लूंगा देखो एक राइट हैंड बार। साइड पर ना, राइट हैंड साइड पर देखिए आप स्क्रीन देखिए, राइट हैंड साइड पर ये सोर्स पर क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा ऊपर यहाँ स्क्रीन, देखिए एड्रेस। बट मैं उसे सोर्स पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ फाइल जहाँ से हुई है ना वो उसे दिखा रहा है। अगर हम आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा, ये खुल रहा है आपका। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें कुछ नहीं करना को, आपको डबल क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ क्लिक करना है बस, क्लिक। हाँ ये वाला कर दिया मैंने ऐसे। हाँ क्लिक, सिर्फ क्लिक करेंगे तो ऊपर एड्रेस दे सकते हैं, ये रहा एड्रेस, यहाँ पर है कॉलम नंबर 9। नहीं तो अभी आपने क्लिक किया था ना इस पर, तो उस पर तो वो डायलॉग बॉक्स नहीं आया मेरा, वो आ रहा है खुल के, ये व्हाइट वाला नहीं आ रहा जो, ये जो आपने सीवी डॉक्यूमेंट ऐसा ये कुछ नहीं आ रहा। सीएसवी डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा हाँ देखो अभी हमको। आपको राइट हैंड साइड में ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, अपने एक अपने अपने मिनट, स्क्रीन पर देखो। चेंजर टाइप दिख रहा। हाँ उसमें सबसे ऊपर जो है सोर्स, उस पर क्लिक कीजिए सिंगल बार ठीक है, ना, नहीं अब देखिए आया ऊपर। हाँ ऊपर देखिए एड्रेस में, देखिए ना एड्रेस वो देखिए। एड्रेस, नहीं आ रहा एड्रेस। अच्छा आपका एड्रेस बार शो नहीं कर रहा है हाँ ना, एड्रेस बार नहीं आ रहा आपका, तो आपको इसमें व्यू में जाइए और यहाँ पर लिखा होगा लेआउट में फॉर्मूला बार। लेआउट हाँ इसमें देखो ट्रांसफॉर्म ऐड फॉर्मूला, कॉलम व्यू, व्यू में जाइए और लेआउट में होगा फॉर्मल फॉर्मूला बार, उस पर क्लिक कर क्लिक कर। दीजिए। हाँ हाँ आगे वी आगे गॉट इट नाउ। ओके 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 की प्रोस वो सब डिलीट करना है ना? हाँ देखिए अब अभी आप मेरी स्क्रीन देखिए, आप अपनी स्क्रीन छोड़ दीजिए। अब हमने यहाँ तक पहुंच गए थे हम, अब देखिए इसके अंदर अब हमें जो डेटा है उसको, जो उनका डेटा वैल्यूज होती है ना, जैसे टेक्स्ट हुआ हमारा या डेट हुआ, वो हम जो डिसाइड करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाइए, लोकल आईडी, लोकल आईडी इस वक्त नंबर हो रखे हैं, ठीक है, कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है देखिए, तो डेटा टाइप यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी कि इस डेटा टाइप को क्या रखना है। अब देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये, तो कि हमें ऑर्डर आईडी पर या नंबर आईडी पर कोई कैलकुलेशन नहीं करवानी है, इसलिए इसको हम टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है, रिप्लेस करंट, अब ये टेक्स्ट हो गया, ओके। लोकेशन टेक्स्ट ही है, कोई इशू नहीं है। टाइम, टाइम क्या होता है, डेट होती है हमारी, डेट ढूंढेंगे इसके अंदर, ये रहा डेट, डेट हो गई। इसके बाद एक ग्रुप टेक्स्ट है, एक ग्रुप टेक्स्ट है एंड ये भी टेक्स्ट है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फीमेल है और पॉपुलेशन टोटल है, ये हमारे नंबर्स नहीं है और ये ठीक है। इसके बाद देखिए डाटा नीचे लेके जाएंगे तो हमें दिखाई देगा इसके अंदर कुछ नल्स वैल्यू भी थी, नल्स वैल्यू इसके अंदर नहीं है। किसी भी एक वैल्यू में जाएंगे फिल्टर पे, इस पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देंगे नल्स वैल्यू, ये ब्लैंक्स, इसमें कुछ ब्लैंक्स भी हैं, ठीक है, तो ब्लैंक्स को अनक्लिक कर देते हैं, ओके करते हैं, फिल्टर लग गया हमारे डेटा पे, फॉर्मूला बन चुका है उसका। अब इसके बाद कोई नल एरर तो नहीं है, वो भी आप आगे देखेंगे। इसमें किसी वैल्यू में जाइए और चेक करेंगे इसे, ठीक है, सारी वैल्यू ठीक। ठीक है अब इसके देखेंगे कौन से कॉलम्स हमारे किसी काम के नहीं है, जैसे हमारा ये कॉलम एज ग्रुप स्टार्ट और एज ग्रुप, ये दोनों ही कॉलम हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए हमने डिलीट कर देंगे। कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ दूसरा कॉलम क्लिक करेंगे, दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक किया और रिमूव कॉलम, कॉलम एक एक ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम,
अदर कॉलम्स में होता है, जोन से जिस जिन कॉलम्स को आपने सिलेक्ट किया है उनके अलावा जो कॉलम है अपडेट कर दिया, और वो कॉलम्स जो है जोन जिस जिन कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया है डिलीट करेगा, कॉलम्स करते हैं डिलीट हो गए। इस डाटा करना एक अब क्या करेंगे हम एक नई सेट करेंगे, सेकंड क्वेरी इंसर्ट हो चुकी है, सेम स्टेप्स हमें इस पर भी फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए कुछ वैल्यूज में नल वैल्यूज हैं, एनी वैल्यूज हैं दिखाई दे रही है इसके अंदर, एंड शुरू से लेके एंड तक वो नल वैल्यूज हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नीड नहीं है, तो इनको फिल्टर करेंगे नल एनी, इसे अनक्लिक कर देंगे, एनी अनक्लिक हो गया। देखेंगे इसमें कुछ ब्लैंक तो नहीं है, इसमें कुछ ब्लैंक्स भी नहीं है, कुछ ब्लैंक नहीं है, ओके। दो कॉलम्स एक्स्ट्रा है, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और पहले की तरह ही रिमूव कॉलम्स, एक डाउट है गुलशन, मतलब आप रिमूव रोस होने के बाद आप हेडर लगाए ना, ओके लेट्स स्टार्ट। हाँ तो ठीक है, डेटा हमने कर लिया है, अब वाला नंबर जो है हम तीसरी क्वेरी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। क्वेरी नंबर थ्री, ठीक है तीसरी क्वेरी हमने इसमें इंसर्ट की है, सेम चेंजेस इसमें भी करेंगे, देखते हैं इसमें हमने ठीक कर दिए कॉलम्स, हमने ठीक कर दिए कॉलम क्वेरी नंबर थ्री, दो कॉलम्स में एक्स्ट्रा है, पहले ने डिलीट कर देते हैं, रिमूव कॉलम्स, इसके बाद इसको हमने ठीक नहीं किया था, इसको डेट करना है, हाँ देखिए यहाँ पर ये चेंज किया नंबर्स में, इसे भी नंबर्स में, इसे भी नंबर्स, इसमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा हैं, इसमें भी नल वैल्यूज रिमूव कर देंगे, इसमें कोई कोई वैल्यू नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है ओके। देखिए इसमें नल वैल्यूज हैं काफी सारी हैं, से इनको हम नल को रिमूव कर देते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा हो अनक्लिक किया है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज भी थी, सर्च करते हैं नल,
देखिए जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से कोई एरर नहीं है, नल हमने डिलीट कर दिया है, लेकिन तब भी हम जो देखेंगे इसके अंदर लोड मोर करते हैं एक एरर आती है, ये देखिए डेटा फॉर्मेट एरर, वी कुड नॉट कन्वर्ट टू द नंबर। ठीक है, अब इस डेटा को हम फाइंड करते हैं ये इशू क्या है। हमने चेक किया है इस फाइल के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था, देखिए लिखिए लोड मोर पे डेटा सारा क्लीन हो गया, सारा आ गया है, कोई एरर नहीं आ रही है। सेम इस क्वेरी में भी, इस क्वेरी में क्लिक किया, इसमें एरर देखेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा है, सिर्फ इशू आ रहा है इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो एरर क्या है। ठीक है, देखो हटा दी हमने, बाकी नीचे तक आने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक एरर है। क्लियर है, अब देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। पहले उस फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल में ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, ओपन किया इसको, इसमें ऐसा क्या था जो हमने रिमूव नहीं किया है। स्पेस थे, कुछ थे, एनी है, इसमें एरर भी है जो उस फाइल में नहीं था। ठीक है, और एनी फाइंड नहीं हो रहा उसके अंदर, एनी उसके अंदर फाइंड नहीं हो रहा है, देख सकते हैं एनी इसके अंदर कहीं फाइंड नहीं हो रहा है। तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले हमने एक क्लिक किया है, अब हमने फोर को भी कर लिया साथ में। ठीक है, हम याद रखेंगे हमने नल किया और फोर किया, अब ओके कर। अब देखो जब हमने दो वैल्यू की है तो देखो फंक्शन को गौर से देखो, फंक्शन के अंदर दो वैल्यू बन चुकी है, लोकल आईडी नॉट इक्वल टू हो नल के और नॉट इक्वल टू हो फोर के। हम क्या करते हैं फोर की जगह रिप्लेस कर देते हैं वो एन ए आर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये स्टेप क्लियर समझ आया कैसे हमने एन ए आर रिमूव किए, सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, हमने देखो हमें एनी फाइंड ही नहीं हो रहा था, अगर हमें एनी वहां दिखता तो हम क्या करते, जिस तरीके से हमने नल पर नॉन क्लिक किया है वैसे एनी पर भी नॉन क्लिक कर देते, पर उस लिस्ट में वो एनी फाइंड ही नहीं हो रहा, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है हमें फाइंड नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता चल चुका है। तो हमने नल के साथ एक वैल्यू और ले ली ताकि ये फॉर्मूला बन जाए कि दो वैल्यू के साथ कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में हमें उसे रिमूव करना, तो हमें नल तो रिमूव करना ही था, और दूसरी वाली एरर को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो वैल्यू डाल दी एन, अब वो उसमें रिमूव हो चुकी है। अब देखेंगे ना, अब ये वो एरर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस एरर को अब लोड करते हैं, फाइल को देखते हैं कोई इशू आता है नहीं। लोड करने के लिए फाइल को क्लिक एंड अप्लाई में जाकर क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो फिर देखेंगे क्यों इशू आता है। गुलशन भाई, अगर डेटा बहुत बड़ा है सो फाइंड कैसे होगा फिर ये, जैसे अभी आप तो छोटा डेटा है, अगर एरर नहीं होगी तो कर लिया आपने, अगर कोई एरर नहीं होगी तो लोड हो जाएगा, पर कुछ एरर होगी तो ये एरर देगा, जैसे अभी इस पर स्क्रीन में देख रहे हैं ना एरर आई, देखो एरर आ गई, ये लोड नहीं कर सकता, कोई इशू है, जो हमने एरर का फॉर्मूला एनए का जो फॉर्मूला लगाया वहां पर वो गलत लगाया है। तो वापस हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा से हमने कोशिश करेंगे कहां पर हमारा इशू है, एरर है हमारी इसी फाइल के अंदर। तो एक स्टेप वापस आते हैं, सबसे पहले ये एरर यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि देखो इस यहाँ तक एरर में वो वाला जो था ना फॉर्मूला हमारा एरर जो थी वो यहाँ तक नहीं आ रही थी, देखो नहीं आ रही स्टेप में, यानी जब हमने हेडर बनाए थे तब कोई इशू नहीं आ रहा था, उसके बाद जब हमने उनको जब उनके में हेडर बनाए इस स्टेप में, जब सोर्स था तब कोई एरर नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें स्टेप्स बनाया ना तो उसमें एरर आ गया, तो चेंज टाइप करते ही हम देखेंगे यहाँ पर वो एरर फाइंड होगी हमें। लोड मोर आ गया, एरर आई है, यानी कि डेटा को डिफाइन करने में एरर आई है,
हमने जो वैल्यू नंबर नहीं थी हमने उसको नंबर बनाया, ठीक है। देखो हमने रॉ फाइल में देखा था, रॉ फाइल में सब एनी एरर्स थी, अब एनी एरर्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट होगा नहीं, वहीं पर ये एरर आती है डेटा फॉर्मेट फॉर्मेट एरर, इसलिए यहाँ पर ये इशू हुआ है, हमें यहीं पर ठीक करना है। तो हम चेंज टाइप को यहाँ डिलीट कर देते हैं, ये हम चेंज टाइप नहीं कर सकते करेंगे, ठीक है। चेंज टाइप से पहले हम इसमें से वो एरर रिमूव करेंगे, एक ब्लैंक हटाया और दूसरा एक ब्लैंक हटाया और एक एन हटाया। देखो एन यहाँ पर आ गया, पहले नहीं आ रहा था कि पहले हमने कन्वर्ट किया था नंबर्स में, तो एन जो है वहां से वो हट गया था और एरर में चला गया था, जिसकी वजह से हमें ये इशू आया था। तो ब्लैंक और एनी हमने यहाँ से हटा दिया है, ओके ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसको, जैसे ये है, ये वैल्यूज है। अब देखो सभी को हमें करना है, इसको हमें नंबर कर देते हैं, इसको और इसको, एक फंक्शन होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों फॉर्म जो है कॉलम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं करना है डेट, ये टेक्स्ट ठीक है, ये टेक्स्ट ठीक है और ये टेक्स्ट ठीक है, ठीक है। अब क्लियर है हमारा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको इशू नहीं है, होम पे जाते हैं, क्लोज एंड अप्लाई। देखिए तीनों फाइल्स राइट हैंड साइड में आ गई है, को डेटा ये भी कम नहीं था, ये डेटा भी काफी बड़ा था, लेकिन जब इशू आता है तो इशू को हमें क्या सॉल्व करना है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने की है। हम कोई भी इशू आएगा तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि वो इशू कहाँ से आया। इस केस में हमने देखा था कि लास्ट टाइप तक कोई डेटा फॉर्मेशन की एरर आ रही थी, जिसकी वजह से वो फाइल लोड नहीं हो रही थी, तो हम हर स्टेप पर जाएंगे वो एरर कहाँ से शुरू हुई है, सोर्स से, सोर्स में आ रही थी नहीं, नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे एक ही सिंगल सिंगल स्टेप हम चलते जाएंगे। एक बार हमारा फंक्शन पूरा बन जाएगा, जो क्वेरी के जो लैंग्वेज की पूरे फॉर्मूला है एक बार कंप्लीट बन जाएगा, फिर वो हम उसको लोड कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्लियर आशीष? हाँ भाई, तो अभी क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। हाँ अभी देखो तीनों ही फाइल आपके पास है, अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये फाइल यहाँ तक लेकर आनी है जहां तक मैंने पहुंचा दिया आप तक, किस तरीके से हम उसको लोड करेंगे और जो एरर आई है वो किस तरीके से सॉल्व करनी है। तीनों फाइल वहां लोड हो जाएंगी, मतलब कोई इशू नहीं है, तीनों फाइल सेम इसी फॉर्मेट में चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स लिए हमने तीनों में, तीनों के 7 7 कॉलम्स है और डेटा टाइप डिफाइन किया है, वहां लोड किया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी काफी हो गया है ये, और इसके बाद हम सीखेंगे कि मर्ज क्वेरी इनको अपेंड कैसे करना है। मैं सोच रहा था पहले कि दोनों ये क्वेरी और अपेंड क्वेरी दोनों एक साथ बता दूंगा, पर ऐसे में लगता है कि अभी ठीक नहीं रहेगा, काफी क्लास वैसे काफी लंबी हो गई है, अगर आपको लगता है तो मैं साथ बता देता हूँ, क्योंकि फिर क्योंकि इस पार्ट में काफी काफी डिफिकल्टीज आने वाली है आपको जब आप इसे लोड करेंगे। इसे ओवर करें या फिर आप अपेंड क्वेरी बताऊं आपको? इसमें वैसे हम लोग ट्राई कर लेंगे, एक बार अपेंड क्वेरी बता दोगे तो एक बार हमें आइडिया रहेगा। मैं आपको बताता हूँ अपेंड क्वेरी किस तरह से यूज करेंगे। देखो अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब है जब हम डेटा फाइल्स को कंबाइन करते हैं ना, ऐसे सेल्स फाइल को किस तरह कंबाइन करेंगे, एक्सेल की फाइल्स में अगर हमारे दो तीन फाइल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक्सेल की शीट है, अब हमारे टेबल ए है, मान लो कॉलम ए कॉलम बी कॉलम सी, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है कोई वैल्यूज हैं 1 2 3
यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, क्या डेट है, ठीक है, हमारे तीन टेबल्स हैं, तीन टेबल्स हैं, ये टेबल है हमारी 17 मई से 21 मई तक, ये टेबल है 22 मई से 27 मई तक, और ये टेबल है 28 मई से 5 जून तक, ठीक है। अब अपेंड का क्या मतलब है, अपेंड का मतलब है ये फाइल्स हमें अलग अलग ना हो, एक ही कंबाइन होकर के एक फाइल बन जाए। तो यहाँ पर अपेंड, जब हम अपेंड वर्ड का यूज करेंगे तो उसका सिंपल सिंपल सा मतलब होता है कि वो फाइल ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे। ये है सिर्फ अपेंड क्वेरी। यहाँ पर इस बात की हेडिंग इग्नोर करना, भी हेडिंग हम हटा देंगे, एक्चुअली होता है ऐसे है। फिल्टर डावे, फिल्टर फिल्टर रिमूव फिल्टर नो, ये फिल्टर के जैसे नहीं, ऐसे बनेगा, ठीक है। वो हेडर्स इसलिए नहीं हट रहे थे क्योंकि वहां पर वो टेबल है, ये एक्सेल टेबल है, ये एक्सेल टेबल में फिल्टर हेडिंग हटती नहीं है, उसको नॉर्मल बनाएंगे तब वो हटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया, यहाँ पर टेबल नंबर वन और टेबल नंबर टू कंबाइन है, इस कंबाइन को बोलते हैं हम अपेंड, ठीक है। अब देखिए, अब उसमें एक ऑप्शन और है, अपेंड क्वेरी एंड अपेंड एस न्यू क्वेरी, ठीक है। अब देखो अपेंड क्वेरी तो यही हुआ कि मैंने इस फाइल के नीचे ये फाइल पेस्ट कर दी, इस फाइल के नीचे ये फाइल पेस्ट कर दी, अपेंड हो गया। अब अपेंड एस न्यू क्या होता है, अपेंड एस न्यू होता है कि हमने इन दोनों को कुछ भी नहीं छेड़ा है, सिर्फ यहां से डेटा लिया है और एक नई जगह पर उन्हें कंबाइन किया है, डेटा लिया यहां से और यहां से और इन दोनों को कंबाइन किया है इस एक तीसरी जगह पर, एक तीसरी जगह ही अपेंड एस न्यू है। इसमें इस हेडिंग में चेंज करेंगे तो यहां भी चेंज होगा, क्योंकि तो इससे लिंक है, अपेंड एस न्यू क्वेरी में इन टेबल को लिंक करके नई टेबल बनाई गई है, लेकिन वो दोनों अपेंड की गई हैं, तो वहां पर हम अपेंड एस न्यू क्वेरी के यूज करते हैं। अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर आते हैं, अब मतलब प्रैक्टिकल समझ में आ गया ना कि मतलब अपेंड का मतलब माइंड में क्लियर है ना कि क्या होता है, एक फाइल के नीचे दूसरी फाइल, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास तीन फाइल है, अब हम चाहते हैं तीनों फाइलें एक साथ अपेंड होने, नई क्वेरी बने जिसमें तीनों डेटा हो, ठीक है। एक राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखिए, यहाँ कंबाइन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपेंड क्वेरी, राइट हैंड साइड में क्लिक बटन है, इसमें दोनों क्वेरी आ रही है, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड एस न्यू क्वेरीज। ट्राई ये करते हैं कि हम अपेंड एस न्यू करते हैं बात, क्योंकि ताकि इन फाइल्स में कुछ इशू हो तो हम सीधे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि इशू क्या है। न्यू करेंगे तो एक उसकी चौथी क्वेरी बनेगी जिसके अंदर पहले की तीन क्वेरी मर्ज होंगी। देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जो हमसे पूछेगा आपके दो टेबल हैं या तीन टेबल या ज्यादा टेबल हैं। अगर हमारे दो टेबल होंगी तो पहले ऑप्शन पर क्लिक, पहले टेबल यहाँ और दूसरी टेबल यहाँ सेलेक्ट करनी है, हमारे यहाँ पर तीन टेबल्स हैं, तो हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और तीनों टेबल्स को सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, तीनों टेबल यहाँ आ गई, एक एक्स्ट्रा हो गई है, उसको वापस डिलीट कर देंगे। ये तीनों टेबल आ गई, 1950 वाली, 2000 वाली, 2050 वाली, ओके करेंगे। ठीक है, इसका नाम आ गया अपेंड वन, इसका नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं, अपेंड क्वेरी पॉपुलेशन। ओके, देखिए अब इसके सोर्स में जाके देखेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला ढंग से गौर से देखेंगे, फॉर्मूले में क्या है, टेबल वन कॉमा टेबल टू कॉमा टेबल थ्री, जो इन तीन क्वेरी के नाम है, यानी कि तीनों क्वेरी को कंबाइन कर दिया, जिसका फॉर्मूला है ये, नेम चेंज होता था, मैं यहाँ पर इनका नेम चेंज करना होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस क्वेरी के अंदर तीनों ही ईयर का डेटा कंबाइन हो गया है ना, डेट देखेंगे तो पचास से लेकर के 2100 तक का डेटा इसमें आएगा, 1950 से लेकर के 2100 तक का डेटा इसके अंदर आ रहा है, एक कंबाइन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई एंड क्लोज करके लोड करेंगे। एक मिनट लेकर लोड होने में, फिर डेटा यहाँ पर ठीक है देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए हमारी क्वेरी आ चुकी है, ये एमबी क्वेरी, इसमें हमारे तीनों ईयर का डेटा इसमें कंबाइन है। अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो ओके, तो अब तो यहाँ तक आपका करेंगे ये सारा, उसके बाद कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक इसमें आपको कोई डाउट रहा है आपका अपेंड में? नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से तीन वीडियो बनी है इसकी, मैं कुछ प्रोसेसिंग करके देखूंगा, अगर ये वर्क कर जाता है तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से आप बाद देख सकते हैं इसका। गुलशन, हां गुलशन, मेरे में ना वो ट्रांसफॉर्म डेटा का वो टैब ही नहीं आ रहा यार। आप कह रहे हैं कि आपके में ये टैब नहीं आ रहा, इसका स्क्रीनशॉट देंगे मुझे, चैट पर डालेंगे। जब मैं डाल रहा हूं स्टार्टिंग मैंने ओपन करा डेस्कटॉप पावर बीआई, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने नॉर्मल जो आ रहे हैं टैब्स वही आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा का उसमें आ ही नहीं रहा जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये टैब ये ओपन है आपके में, स्क्रीन देखो पहले। हाँ, स्क्रीन ये है ना। हाँ, होम पे गया, होम पर। हाँ, क्वेरीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्वेरीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, आपका स्क्रीनशॉट भेज देगा उसका, रुको भेजता हूँ मैं भी ना। आप डायरेक्ट तो नहीं कर रहे गेट डेटा वाला? अश्विनी भाई, नहीं गेट डेटा नहीं कर रहा मैं, तो नॉर्मली कर रहा हूँ इस समय फिलहाल। गुलशन, क्लियर और करना यार, अपेंड और अपेंड एज न्यू क्वेरी, वो क्या बता रहा है, अपेंड एज न्यू क्वेरी में क्या होता है? हाँ देखो,
हमारे यहाँ तीन टेबल थी देखो एक्सेल में, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है बी, एक ये टेबल है ये सी, ठीक है। अब यदि मैं अगर मैं बेस टेबल में ये है, ठीक है, मेरी टेबल ये वाली है, मेरी मेन वाली, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर ये वाली टेबल को इस टेबल के नीचे मर्ज कर दिया, यानी अपेंड कर दिया। अब ये टेबल रही नहीं, ये डिलीट हो गई टेबल, क्या रही कोई बात नहीं। अब देखो हमारी तीन टेबल है वो कैसी है, पहली टेबल के अंदर पहली टेबल और दूसरी टेबल का डाटा भी आ रहा है, ये दूसरी टेबल है और ये तीसरी टेबल, ठीक है, ये हमारी अपेंड क्वेरी, क्योंकि हमने पहले के बनी हुई टेबल के अंदर ही हमने एक नई क्वेरी बना दी है, यानी पहले हम इस डाटा से यहाँ तक प्रोसेस करेंगे, फिर एक फॉर्मल लगाएंगे जिससे ये वाली क्वेरी का डाटा भी इसके नीचे आ जाएगा, पहले वाली बनी हुई क्वेरी के अंदर ही डाटा नीचे आ जाए, तो वो है अपेंड क्वेरी। जब हम एक नई क्वेरी क्रिएट करते हैं और इन पुराने टेबल्स में से डेटा लेके आते हैं, जैसे हमने इसे भी कॉपी करके यहाँ लेकर आए हैं और इससे भी क्वेरी को पेस्ट करके लेकर आए, तो ये जो नई क्वेरी बनी है ये हमारी अपेंड क्वेरी एस न्यू है, क्योंकि हमारे पुराने तीनों टेबल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि पुराने टेबल को हमने एडिट नहीं किया है या पुरानी क्वेरी को हमने कुछ चेंज नहीं किया है। जब हम पुरानी क्वेरी के अंदर ही कोई दूसरी क्वेरी जोड़ देते हैं तो वह अपेंड क्वेरी है, जब हम नई क्वेरी बनाते हैं जिसके अंदर तीनों क्वेरियों को कंबाइन करते हैं, दो कंबाइन करते हैं, तो हमारी अपेंड क्वेरी एस न्यू है। ठीक है ना गुलशन भाई, मैंने सेंड किया आपको ना वो, हाँ मैं ओपन करता हूँ। देखो ये दिखाई दे रहा आपको एडिट क्वेरी, हाँ एडिट में भी जा रहा हूँ ना, वही है ये वही है, हाँ इस पर क्लिक कीजिए एडिट क्वेरी में, वहीं पहुंच जाएंगे आप। एडिट क्वेरीज भी अगर मैं कर रहा हूँ ना तो उसमें कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म का टैब नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा वाला। एडिट क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो एक नई क्वेरी खुल के आएगी, देखो अलग से अलग विंडो खुली है, वही एडिट क्वेरी पावर क्वेरी है वो, आपका ये थोड़ा वर्जन पुराना है, मतलब आप इसमें अपलोड करेंगे तो जो मेरे पास वर्जन है ये आ जाएगा, हाँ, ये इससे पहले वाला अपडेट करने के बाद आ जाएगा अश्विनी भाई, अपडेट करने के बाद आ जाएगा, अपडेट करने के बाद इसकी मैसेज आएगा। ठीक है ठीक है, मुझे लगा पता नहीं होता है, अब इसके अंदर जो एडिट क्वेरी ऑप्शन है वही है, ये पावर क्वेरी का ऑप्शन। ठीक ओके ठीक है भाई, ठीक है ये अगली क्लास में हम मर्ज क्वेरी भी पढ़ेंगे आगे का, ठीक है, जब तक आप ये पूरा क्लियर कर लीजिएगा, पर किसी को कोई भी इशू हो ना आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक ओके, क्लास ओवर, हां ओके क्लास ओवर, चलो थैंक यू गुलशन भाई, ओके थैंक यू गुलशन भाई, थैंक यू गुलशन, ओके थैंक यू गुलशन।